हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास के वीडियोस में आपका स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब। भाई लोग भी आए घूमन, देख सकते हो आप फोटो आएगा। उसके बाद जियो ब्रदर इतने घूमन आया, पूरा इन्जॉयमेंट कर रहे थे, देख सकते हो भाई सारे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ पंजाब के मशहूर हवेली, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा हवेली का दृश्य कैसा है, कितना खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग डेली अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने यहाँ पे आते हैं। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा बना हुआ है हवेली, देख सकते हैं आप कितना। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, आप भी आ सकते हैं। ये पंजाब के जलंधर में है, काफ़ी सारे कूलिंग फ़ैन भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं इतना सारे कूलिंग हवा देती है यहाँ पे ठंडी ठंडी। वाह, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये भैया भी हैं हमारे सामने पान वाले। हवेली, पुराने टाइमों में जो कुआं होता था वो कुआं भी यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं कुएं में से। ये देखिए, इसमें रियल वाला पानी भी डाला गया है। पीने के लिए छोटे छोटे काउंटर भी बनाए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं टी कॉफ़ी लस्सी वगैरह की, कितनी बढ़िया चीज़ है ये, कितना बेस्ट प्लेस है ये। यहाँ पे कितना कूलिंग फील हो रहा है हमें, गर्मी लग रही थी तो हम पंखे के सामने खड़े हो गए, भीड़ बन गए, देख सकते हैं आप भीड़ बन गए। तो मतलब जो आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराने ओल्ड टाइम के हिसाब से बनाया गया है, जैसे ओल्ड टाइम में लोग कैसे कैसे अपने टांगे से जाते थे। फ्रेंड्स, तो ये था हवेली और हवेली का व्यू। अभी और भी कुछ बाकी है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं क्या व्यू है। शाम का टाइम हो चुका है, लोग बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं शाम के टाइम। साथ में मेरा दोस्त भी है विजय। क्या इस पुराने सभ्याचार को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर भी रखा गया है, काफ़ी देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरे में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने को। मेरे दोस्त को प्यास लगी तो मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक ले दी है वाली, ये देख सकते हैं मैंने इसको ले दिया है। पंजाब के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। यहाँ पे ढोलिया के वेलकम किया जाता है, दोस्तों ये ओल्ड टाइम वाला टांगा है जिसको हम हिंदी में बैलगाड़ी भी बोलते हैं। देख रहे हैं आप, बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं दोनों लोग। We'll be driving down the street, yeah.
Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways. पुराने टाइम में चक्की से आटा वगैरह पीसा जाता था, तो उस चक्की को यहाँ पे दिखाया गया है, कितना बढ़िया बनाया गया यहाँ पे. यहाँ पे हम रंगला के अंदर घूम रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है. आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फील आ रहा है हमें यहाँ पे. तो आप भी मन करे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं. आ चुका हूँ जादू वाले भैया के पास, जो दिखाएंगे अपना जादू और आप हो जाओगे गायब. ये जो आप इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं, सब लोग जादू देखने के लिए बैठे हुए हैं. यहाँ पे भैया ने क्या कमाल का जादू दिखाया है. यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सब लोग जादू की तरफ ही निशाना लगाया हुआ है सब लोगों ने, कि कितना बढ़िया जादू. यहाँ आँखों में देखते ही देखते भैया ने एक कबूतर को दो कबूतर बना दिया. तो यहाँ पर सब लोगों की जिन निगाहें हैं सिर्फ जादू वाले भैया पर ही टिकी हुई है. सब लोग देख ये रहे हैं कि जादू वाले भैया ने कैसे एक कबूतर को दो कबूतर बना दिया और एक सिक्के को दो सिक्का बना दिया. तो सब लोग इनकी तरफ ही देख रहे हैं. आप देख सकते हैं इन्होंने आंखों के सामने ही सब कुछ कर दिखाया है. तो यहाँ पे जादू वाले भैया ने कमाल का जादू दिखाया कि हम सब जादू को देखते ही रह गए. इतना अच्छा मज़ा आया ना हमें जादू को देख के कि हमारा टाइम यूँ ही पास हो गया, हमें पता भी नहीं चला कि कब टाइम हमारा बीत गया है. तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी सारी भीड़. उसके बाद हमने कुछ आइसक्रीम वगैरह भी खाए यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं. यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हमारे पुराने सभ्याचार में जैसे जैसे होता था, उन सबको दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है. बिल्कुल जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल कितना बढ़िया ज़बरदस्त. पीछे देख सकते हैं मेरे कितनी सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई हैं. तो आप देख रहे हैं ओल्ड टाइम के हिसाब से चलने वाले स्पेशल परौंठा चटनी, दाल और प्याज वाली चटनी, साथ में कितना मज़ा आ रहा है. मैं और मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं खाने के लिए, जो कि सामने यहाँ पे छोटा सा ढाबा बनाया गया बेबे दे हत्था दा बनया माँ दे परौंठा. अगर आप पंजाब से नहीं हैं, आपको पंजाबी नहीं समझ में आ रही है, तो मैं हिंदी में बता दूँ कि मम्मी के हाथ से बना हुआ परौंठा और दाल सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है. आप देख रहे हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी खाने में लगा है कि कहीं परौंठा ख़त्म ही ना हो जाए. कितना ज़्यादा खुश हो रहा है खा के और जल्दी जल्दी खा रहा है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए परौंठा. काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था यहाँ पे, तो हमने परौंठे खाए यहाँ पे. बहुत मज़ा आ रहा है हमें गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है. फ्रेंड्स मैं बैठा हूँ यहाँ पे ओल्ड टाइम की गाड़ी पे, जो आप देख सकते हैं ओल्ड टाइम में जैसे गाड़ियाँ थी तो वैसे. उसके साथ में स्टूडियो है बिल्कुल, तो सामने स्टूडियो है जो दिखा सकते हैं आपको बिल्कुल. ये एक हवालात है जो कि ओल्ड टाइम में कैसे कैदियों को सजाएं दी जाती थी, तो उसके हिसाब से एक म्यूजियम टाइप यहाँ पे बनाया गया है. यहाँ जो सामने आप इतनी ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं, सब लोग डांस देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं. सामने बहुत ही अच्छा डांस होता है और काफ़ी ज़्यादा डांसिंग का मज़ा लेते हैं सब लोग. तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं डांस का मज़ा लेने के लिए. आप देख सकते हैं मैं अभी यहीं पे हूँ, सामने डांस हो रही है. आप देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाइस. तो आपका भी मन करे तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे जलंधर में. जो कि फ्रेंड्स आप जो यहाँ पे इतनी भीड़ देख रहे हैं लोगों की, सब डांस देखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और रात के 11 बजे तक डांसिंग वगैरह चलती है. तो सभी लोग यहाँ पे डांस का मज़ा लेने के लिए रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं. 11 बजे बंद हो जाता है, वैसे तो सारी रात हवेली खुली रहती है. देख रहे हैं आप कितना बढ़िया यहाँ से डांस हो रहा है, पंजाबी डांस होता है यहाँ पे. कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाइस, कितना मज़ा. डांसिंग के बाद यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी सारे स्टॉल लगे होते हैं, जो देख सकते हैं आप सामने.
दाल परोंठा वगैरह, गोलगप्पे, टिक्की, चाट और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। गुड़ वाली स्पेशल चाय होती है हवेली की, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने। तो मैं भी वहीं पे सामने खड़ा हूँ, गुड़ वाली चाय की दुकान के सामने। तो अभी मुझे यहाँ पे खड़े हुए काफ़ी देर हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ जो है पुराने सभ्याचार के हिसाब से बनाया गया है। जो बैठने वाली खटिया जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे पुराने ओल्ड टाइम में जैसे होते हैं रस्सी के धागे और लकड़ी वाला, तो वैसा ही सेम है यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग यहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक करते हैं। देखिए आप कितना खूबसूरत सा मिले यहाँ, तो आपका भी मन करेगा आने को, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पंजाब के अंदर जलंधर में है ये स्थित, और रोड के हाईवे के साइड में ये बिल्कुल, तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। कितना खूबसूरत सा फील है यहाँ पे। यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है जो कि पुराने टाइम में जैसे लस्सी निकाला जाता था, तो वैसा है सेम। यहाँ पे बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए हैं जो कि ओल्ड टाइम के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वाले येलो कलर वाले रूम में सामने बहुत सारे पित्तल के बर्तन, पुराने टाइम में जो लोग थे सभी पित्तल के बर्तन यूज करते थे, तो बहुत सारी बर्तनें यहाँ पे पित्तल की रखी गई हैं जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे मैं दोबारा आ चुका हूँ कुल्फ़ी वाले भैया के पास, तो कुल्फ़ी यहाँ पे हम खा रहे हैं। दोबारा हमारा मन किया यहाँ पे कुल्फ़ी खाने का, तो हम कुल्फ़ी खा रहे हैं यहाँ पे। कितना एक बार अगर आप 700 का टिकट लेके एंटर करते हैं अंदर, तो आप जितना मन हो सके उतना खाएं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, बिल्कुल जितनी भी चीज़ें अंदर हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का भी कोई चार्जेस नहीं है। आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, किसी का कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मन करे उतना खाएं आप। यहाँ पे एक हैडपम्प है जो ओल्ड टाइम में होता था, तो यहाँ पे होम डिजाइनिंग के लिए ओल्ड टाइम में कैसे डिजाइन किया जाता था वो दिखाया गया है। काफ़ी भीड़ हो चुकी है, ओल्ड टाइम में बच्चे कैसे पतंग वगैरह छत पे दीवारों पे चढ़ के उड़ाया करते थे, उसका रिव्यू दिया गया है यहाँ पे सामने, आप देख रहे हैं उसका रिव्यू है यहाँ। पुराने टाइम में बच्चे कैसा अपना समय व्यतीत करते थे, तो आप देख सकते हैं वहाँ ओल्ड टाइम में कुछ ही खेल वगैरह हुआ करते, पतंग उड़ाना जैसे गोली वगैरह खेलना, तो यहाँ पे खेल रहे हैं सब, पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ पे वन टाइम टिकट लेने के बाद सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे गोलगप्पे का स्टॉल है, खाना खाने के लिए खाना का स्टॉल है, जो यहाँ पे आज डेली अलग अलग चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, तो आज परौंठे वगैरह बने थे तो हम लोग यहाँ पे परौंठे खाए हैं। सामने टिक्की चाट का स्टॉल है, उसका टी स्टॉल है जो कि गुड़ वाली चाय है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस चाय है पंजाब की, और काफ़ी बेहतरीन चाय यहाँ पर बनाया जाता है। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा चाय वगैरह यहाँ पर पी, बहुत मज़ा आया हमें। सामने यहाँ पे मूवी दिखाया जाता है जो कि मैं वीडियो में पहले दिखा चुका हूँ आपको। यहाँ पे दाल वाले भैया हैं जो हमें दाल खिलाते हैं काफ़ी अच्छा सा बना के। ओल्ड टाइम में लेडीज़ कैसे अपना टाइम व्यतीत करती थी उसके बारे में दिखाया गया है। ओल्ड टाइम का घर दिखाया गया है, कैसे घर होते थे ओल्ड टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सामने यहाँ पे डांसिंग वगैरह होता है, क्लब है, डांसिंग क्लब। ये देखिए आप डांस हो रहे हैं, कितना बढ़िया है। यहाँ पे पंजाबी म्यूजिक के साथ यहाँ पे डांस होता है, देख रहे हैं आप कितना मज़ा और कितना अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। क्या बात है, कितना अच्छा डांस हो रहा है दोस्तों। आपने मेरे वीडियो में देखा, इतना मज़ा आया आपको वीडियो देख के, तो आज के लोगों को मैं इसको भूख लगी थी, पापड़ खा रहा है, देख सकते हैं आप पापड़ खा रहा है यहाँ पे, घूमते घूमते भूख लग गई। दोस्तों हम यहाँ पे घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग चिल कर रहे हैं, यहाँ पे हम भी चिल कर रहे हैं पूरा, यहाँ पे मज़े ले रहे हैं हम आज, इन्जॉयमेंट कर रहे हैं पूरा। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग से बाबा हैं जो कि ओल्ड टाइम में कैसे चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसको रियलिटी में मतलब बना के हमें दिखाया जा रहा है कि कैसा बनाया गया है वहाँ पर। तो सामने यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की भीड़ है, और डांसिंग देखने के लिए यहाँ पे भीड़ लगाई गई है, बहुत सारी भीड़ है, सीट नहीं है, तो हम लोग इधर साइड में खड़े होकर चिल कर रहे हैं, म्यूजिक का एंजॉय कर रहे हैं साइड में खड़े होकर। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे म्यूजिक की धुन से उत्साहित होके, यहाँ पे कटिंग की शॉप है जो कि ओल्ड टाइम में होती थी, तो वैसे ही सेम यहाँ पे कटिंग की दुकान सी बनाई गई है जो कि एक म्यूजियम टाइप बनाया गया है। यहाँ पे लोग डांसिंग से उत्साहित होकर डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि म्यूजिक इतना अच्छा बजता है कि हमें देख के रुका नहीं जाता है, हम डांस करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप सामने सभी लोग पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं सब लोग, हम भी डांस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम चिल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। Yeah.
मैंने आपको जो अभी सारे सीन्स दिखाए हैं इसके अंदर की सीन थे जो आप देख सकते हैं रात के टाइम में कितना खूबसूरत दिखता है सीन। क्या जरूर देख सकते हैं आप नाइट का व्यू तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया तो यहाँ पर पूरा चिल देख सकते हैं नाइट का व्यू कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ पे। रात का व्यू है रात का व्यू देख सकते हैं आप कितना खतरनाक सा दिख रहा है खूबसूरत है। तो ये वीडियो देख के जरूर आपका मन करेगा। अब हम जा रहे हैं घर को गाइस तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह हैं नॉर्मली चार्जेस हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा खूबसूरत व्यू है नाइट का। ये देख सकते हैं आप कितना भीड़ है यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। हाँ साढ़े भाई लोग भी आए घूमन देख सकते हो आप फोटो आएगा ठीक हो ब्रदर। हाँ देखो घूमन आया पर आओ नहीं साढ़े भाई ने भी इतने घूमन आया पूरा इन्जॉयमेंट कर रहे थे देख सकते हो भी सारे दोस्तों यहाँ पर पूरा चिल देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है। जो हमारे दोस्त भी हमारे साथ थे कितना मज़ा आया हमें यहाँ पे घूम के। आपका भी मन करे तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ पे लोग ट्रैक्टर ले लेके भी आए हैं अपने देख सकते हैं आप। ये देखिए ओ वाओ क्या फील है यहाँ पे यहाँ खाते आए का व्यू। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स तो बाय बाय इस ब्लॉग के लिए थैंक यू।